बात अगर पटना की कर ले तो पटना में अब रात में भी कोरोना का टीका लग रहा है। आपको बता दें कि अब हर समय जब आप चाहें तब जाकर टीका लगवा सकते हैं। वहीं हमारे सहयोगी उत्कर्ष ने राजधानी पटना में रात के 11 बजे कोरोना टीकाकरण का जायजा लिया। जरा तस्वीरें देखिए, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपके लिए सरकार ने कुछ सुविधाएं मुहैया कराई। बिहार में कोरोना का संक्रमण जरूर कम हो गया है, लेकिन सरकार की तरफ से एक बड़ी पहल सामने देखने को मिली है कि अब राजधानी पटना में 2400 घंटे कोरोना का टीका दिया जाएगा और आज इसकी शुरुआत कर दी गई है शाम 4 बजे के बाद से। आप ये देख लें, ये पाटलिपुत्र अशोक का होटल है जहाँ पर आज से 24 घंटे टीकाकरण किया जाएगा। हालांकि यहाँ जो देख रहे हैं आप 3-4 काउंटर बनाए गए हैं, लेकिन जो लोग हैं उसकी कमी है, जिस वजह से अब यहाँ पे सिर्फ एक ही काउंटर खुला हुआ है। और आप देखें जो लोग हैं वो कतारों में खड़े हैं और आज से यहाँ पे वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। आप साफ तौर पर देख लें कि अब यहाँ पर सिर्फ कोविशील्ड दिया जा रहा है और सरकार की तरफ से यहाँ पे हर तरह की सुविधाएं रखी गई हैं, चाहे वो मेडिकल स्टाफ हो, ऑब्जर्वेशन रूम हो, हर तरीके से यहाँ पर अब कोरोना को मात देने की तैयारी की जा रही है। यहाँ पे कतार में लोग हैं, ये वहाँ भी देखते हैं कि किस तरह से ऑब्जर्वेशन सेंटर बनाया गया है, क्योंकि कोरोना का टीका लगने के बाद करीब आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। कुछ लोग भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं जिन्होंने टीका लिया है। मैम, आपने भी टीका लिया है अभी? हाँ, अभी लिया है। किसका टीका मिला है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन का? कोविशील्ड। फिर उसके बाद क्या कुछ बताया गया है मेडिकल स्टाफ की तरफ से? अभी बताया गया है 3 महीने बाद आना है हम लोग को लेने के लिए फिर से। ऑब्जर्वेशन के लिए भी कुछ कहा गया? अभी आधे घंटे बैठने के लिए बोला गया। ये बताएं मैम कि ये कैसी पहल है, क्योंकि एक तरफ कोरोना का संक्रमण बहुत ज्यादा है, ऊपर से 2400 घंटे वैक्सीनेशन पटना में होगा। नहीं, बहुत अच्छी है, अच्छी बात है सरकार की तरफ से, और लोग भी जागरूक होंगे। चूंकि आज फर्स्ट डे है इसलिए बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा, भीड़ कम है। अब धीरे धीरे जैसे बात फैलेगी लोग जागरूक होंगे, आएंगे भी। तो आज जो आपने कोरोना का टीका लिया है, कि आपने स्लॉट बुक करा था या खुद से अभी आके तुरंत हो गया रजिस्ट्रेशन? मैंने स्लॉट नहीं बुक किया था, यहाँ पे खुद से हो गया। हाँ, चूंकि हम लोग पास में थे तो हम लोग 9 के बाद वाले, तो अभी आकर के जस्ट टीका लेके गए हैं, कोई स्लॉट बुकिंग नहीं किया था। शुक्रिया। आपका नाम है? मृणालिनी रंजन। शुक्रिया। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो आ रही हैं यहाँ पे। स्लॉट बुकिंग की परेशानी नहीं है, क्योंकि जो कोरोना का संक्रमण था जरूर कम हुआ है, लोग हैं वो वैक्सीनेशन ले रहे हैं। आइए अब वो तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि एक होटल है जिसको अब कोरोना का सेंटर, जो वैक्सीन सेंटर है, उसमें तब्दील कर दिया गया है। आप देख लें कि रात के करीब 10:30 से 11 बज रहे हैं और ये तस्वीरें राजधानी पटना की है, जो देखने लायक है, क्योंकि एक तरफ सरकार ये जो पहल कर रही है, आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं स्लॉट बुकिंग भी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पर कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं, क्योंकि अभी स्लॉट बहुत ज़्यादा खाली है इसलिए स्लॉट बुकिंग की भी दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, पंजीकरण किया जा रहा है और ऑब्जर्वेशन सेंटर भी बनाया गया है। आइए आपको वो भी दिखाते हैं, क्योंकि कोरोना जिस तरीके से फैल रहा था बिहार में, उसके बाद सरकार ने एक सराहनीय पहल जरूर की है। आप देख लें कि ये ऑब्जर्वेशन सेंटर बनाया गया है, यहाँ पर कई वो लोग हैं जो कोरोना का टीका लेके आधे घंटे इंतज़ार कर रहे हैं। पहला बार है राजधानी पटना में जो 2400 घंटे अब वैक्सीनेशन दिया जाएगा। और ये तस्वीरें पाटलिपुत्रा अशोका होटल की हैं, इनकम टैक्स से नज़दीक है, और आज यहीं पर जिलाधिकारी द्वारा इसे इनॉग्रेशन किया गया है कि अब 2400 घंटे यहाँ पर टीका दिया जाएगा। जो लोग हैं जो कोरोना से बचना चाहते हैं वो अब यहाँ पर टीका ले सकते हैं, और साफ तौर पर ये एक सराहनीय पहल सरकार द्वारा की गई। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, डीटीवी भारत।